बहुत शर्मनाक है कि हम किसी आर्टिस्ट को गिरफ्तार कर रहे हैं उसकी पेंटिंग के लिए, उसके कार्टून के लिए, जबकि ऑफ कोर्स मतलब जो मामला है, अगर आप उसकी में जाएं तो पता लगेगा दोषी कोई और लोग हैं, और कार्टूनिस्ट ने केवल रिएक्ट किया है क्योंकि ऐसा मसला है कि एक फैमिली ने आत्मदाह किया है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि कोई कार्टूनिस्ट अपना गुस्सा दिखाए, बहुत लाजिमी है, क्योंकि कार्टूनिस्ट का काम ही है रिएक्ट करना और अपने आर्ट के माध्यम से उसे एक्सप्रेस करना। तो अगर गुस्सा है तो आर्टिस्ट उसको वैसे ही एक्सप्रेस करेगा। और अगर इस तरह से हम और जहाँ तक कार्टून की बात है, मुझे लगता नहीं कि उसमें कुछ बहुत इंसल्ट हो गया है या कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। आप बाहर के कार्टून देखें तो ज़्यादातर विदेशी कार्टूनिस्ट ऐसे ही काम करते हैं, किसी को नेकेड दिखाना या बिना कपड़ों के दिखाना भी एक सिंबल है उसे बेशर्म दिखाने का, जो कि हम सब जानते हैं। तो फिर या तो एक गवर्नमेंट एक गाइड बुक के साथ आए कि भाई ये गाइडलाइंस है कार्टूनिस्ट के लिए कि ये चीज़ बनाना है, ये चीज़ नहीं बनाना है, ये बनाओगे तो फिर ये मुकदमा होगा। तो और अगर ऐसा होगा तो फिर आप समझ लीजिए कि इस देश में डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी। आई कंडेम्ड बालास अरेस्ट बाई द चीफ मिनिस्टर एंड द सिविल सर्वेंट्स पुलिस एंड कलेक्टर ऑफ तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट. ही हैड एवरी राइट टू कंडेम दिस पीपल बिकॉज दे डिड नथिंग टू सेव ए फैमिली इन स्पाइट ऑफ सिक्स पिटिशन सबमिटेड बाई देम एंड दे आर फोर्स टू कमिट सुइसाइड. इफ पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स आर सो थिन स्किन that they cannot take genuine criticism because of their inability to attend to people's needs, they should not join politics, they should not join civil service. This is absolutely ridiculous. This has happened in Bengal, Maharashtra, Andhra, Telangana, Uttar Pradesh. I fully condemn this and I demand Bala's immediate release.